आपको ये मुझे पहले देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि मैं समन लेके आपको, आपने मुझे गाड़ी में बैठाया, मेरी ही गाड़ी में बैठाया, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया और अब मुझे समन दे रहे हो, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो उन्होंने फॉलो किया? वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो ये जबरदस्ती ही है। उन्होंने आपके फैमिली मेंबर से किसी ने बात की? नहीं, बहुत फॉर्चुनेटली मेरी जो बुआ है, मेरे जो डैड की सिस्टर है, वो वहीं रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉप्स पुलिस है वहाँ पर और CRF की गाड़ियाँ हैं, तो ज़रा चेक करो क्या चल रहा है। तो मैंने मेरी मदर को कॉल किया, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं सब ठीक है, डैड ED ऑफिस गए। मैंने बोला क्यों गए, क्या समन आया उन्हें? तो उन्होंने बोला नहीं, समन का तो हमें कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमने उनको पूछा ठीक है, हम मैंने पूछा कि और कोई गया उनके साथ? उन्होंने बोला हाँ, ड्राइवर और आपके भाई गए। तो मैंने ड्राइवर को कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। देन आई कॉल्ड माय फादर, तो डैड ने कॉल लिया और उन्होंने बोला बेटा मैं ED ऑफिस जा रहा हूँ। तो मैंने बोला क्या हुआ, आपको समन आया है? तो उन्होंने बोला नहीं समन नहीं आया, इंक्वायरी है, मैं जाके आता हूँ, आप पैनिक मत कीजिए। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात करके बताया कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई समन नहीं है, आई एम गोइंग ऑन बेसिस ऑफ क्वेश्चनिंग। सो आई सेड ओके डैड विल वेट, और हम वेट करें और 2:15 तक, दिस इज व्हाट द न्यूज इज, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द सेंट्रल एजेंसीज लेफ्ट राइट एंड सेंटर, दिस इज वॉट वी गेट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क। बहुत एविडेंट लगता है ये चीज़, बिकॉज ही वॉज एक्सपोजिंग द सेंट्रल एजेंसी, नॉट जस्ट NCB, ED का भी वो काफ़ी बार बोल रहे थे कि वो मेरे घर आने वाले, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन आ रहा था, बट वी वर नेवर स्केप्टिकल एंड स्केर्ड, हम नहीं डरते थे क्योंकि हमने कुछ किया नहीं और आज भी हमने कुछ नहीं किया। आई हैव इमेंस फेथ इन माय जुडिशरी एंड आई नो हाउ माय हस्बैंड इज कम आउट, माय फादर आल्सो विल बी नेक्स्ट टू मी। आई फॉट एज अ वाइफ, एज अ मदर, टुडे आई विल बी फाइटिंग लाइक अ डॉटर। आई एम वेटिंग टू फाइट एज अ डॉटर दिस टाइम। अंडरवर्ल्ड से ये कनेक्शन जोड़ा जा रहा है क्या? क्यों ऐसा होता है कि हर मुसलमान अंडरवर्ल्ड से जुड़ा होता है? वो दाऊद इब्राहिम से ही कनेक्टेड होता है कि हमें खुद एक इंडिविजुअल मुसलमान रहने का हक नहीं है?